हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो इस वीडियो में हम लोग बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का ही फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2019-20 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है। दो नंबर का क्वेश्चन है। तो जैसा कि फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड का मतलब होता है तरल, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो तरल स्थित अवस्था में होते हैं फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं, और जो गतिमान होते हैं फ्लूइड डायनेमिक कहते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक डील विद द फ्लूइड्स एट रेस्ट, मतलब रेस्ट के पोजीशन में, उसे फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं, यानी स्थितिज अवस्था में। एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, व्हाइल फ्लूइड डायनेमिक्स स्टडीज फ्लूइड्स इन मोशन, मोशन में जो होता है उसे फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स फॉर्म द टू कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिज्म। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। एट्रिशन एंड इम्पैक्ट क्या होता है? तो एट्रिशन का हिंदी मीनिंग होता है घर्षण, घर्षण को जिसको रगड़ कहते हैं, रगड़ना। एट्रिशन इन दिस मेथड ड्रग पार्टिकल्स कोलाइड विथ ईच अदर एंड रेड्यूस दियर साइज फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। इसका मेनली जो यूज होता है वो लार्जर मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करने में किया जाता है, इसका उपयोग फ्लूइड एनर्जी में किया जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है? इन दिस मेथड ड्रग मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स इंटू स्मॉल पार्टिकल्स थ्रू एनी टाइप ऑफ इम्पैक्ट, अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेन कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल हैमर में, इसका जो यूज है हैमर में किया जाता है, और इम्पैक्ट का हिंदी अर्थ होता है चोट या संघात। जैसे कि हम किसी को चोट, मतलब किसी को चोट के द्वारा हम उसका साइज रिड्यूस करें, उसे इम्पैक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड एल्यूट्रेशन। डिफरेंस बताना है सेडिमेंटेशन एंड एल्यूट्रेशन में। तो सेडिमेंटेशन का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है अवसादन, तलछटीकरण जिसे कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, मतलब जो हैवी इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में या मतलब सोल्यूशन में, वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। एल्यूट्रेशन क्या होता है? एल्यूट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सेडिमेंटेशन, मतलब जो सेटल डाउन हो जाते हैं सेडिमेंटेशन होता है, इसके अपोजिट जो जाता है तो उसे इल्यूट्रेशन कहते हैं, इसे डाउनवर्ड मूवमेंट भी। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, स्टेट द एक्सप्रेस फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। फोरियर लॉ क्या कहता है? फोरियर लॉ कहता है द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू यूनिफॉर्म मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर ड्रॉप एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को हम इस प्रकार से मैथमेटिकली लिख सकते हैं, वेर क्यू इज इक्वल टू के एम इंटू ए डेल्टा टी अपॉन एल, वेर के एम इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग से कैसे डिफर करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द इवेपोरेशन प्रोसेस हैपेंस ओनली एट द लिक्विड सर्फेस, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है ओनली लिक्विड सर्फेस पे होता है, वेर एज द डिस्टिलेशन प्रोसेस डज नॉट ओनली हैपन एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड। इन द इवेपोरेशन प्रोसेस द लिक्विड वेपोराइज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट ऑन द कैटेगरी ऑफ द डिस्टिलेशन प्रोसेस द लिक्विड वेपोराइज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है इसमें लिक्विड वेपोराइज कब होता है? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बट द कैटेगरी ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस एट द लिक्विड वेपोराइज एट द बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है? तो डिस्टिलेशन का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है आसवन। तो देखते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स बिगिन टू बॉइल व्हेन द सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। तो इसमें इमिसिबल लिक्विड होता है वो उबलना प्रारंभ हो जाता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेट पी वन रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड पी टू वेपर प्रेशर एंड पी टू द वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। सो इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा,
द टेम्परेचर मस्ट बी लोअर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और द ऑर्गेनिक लिक्विड, दस इन स्टीम डिस्टिलेशन द इम्प्योर लिक्विड बॉइल्स एट द टेम्परेचर विच इज लोअर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का अर्थ क्या होता है। तो सब्लिमेशन का हिंदी जो मीनिंग होता है वो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो हिंदी थोड़ा कठिन हो जाता है इसमें। तो सब्लिमेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेट। मतलब सब्लिमेशन क्या होता है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सब जाता है सब्सटेंस का, डायरेक्ट लिक्विड मतलब सॉलिड से गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, ठोस से सीधे गैस में इस कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज डिपोजिशन और डी सब्लिमेशन इन विच ए सब्सटेंस पासेस डायरेक्टली फ्रॉम द गैस टू सॉलिड फेस। तो इस प्रकार से हम इसको थोड़ा चार्ट बना सकते हैं, सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। तो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग को जो है डिफरेंशिएट करना है। तो मिक्सिंग का सिंपल मीनिंग होता है मिलावट या मिश्रण, एंड ब्लेंडिंग का भी सेम होता है, थोड़ा सा सम्मिश्रण इसे कह सकते हैं। तो मिक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ थ्रोली कंबाइनिंग डिफरेंट मटेरियल्स टू प्रोड्यूस ए होमोजीनियस प्रोडक्ट, एंड ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मटेरियल्स, बस ब्लेंडिंग इज रिलेटिवली जेंटल प्रोसेस कंपेयर टू मिक्सिंग। द मिक्सचर इज जनरली ए कम्बिनेशन ऑफ डी सिमिलर मटेरियल्स, एग्जाम्पल कोल एस, मतलब जो मिक्सचर होता है वो जनरली मतलब कॉम्बिनेशन होता है डी सिमिलर मतलब असमान पदार्थों का, जैसे कोल एस, इन टर्म्स ऑफ द फेज ऑफ मटेरियल्स, ब्लेंडिंग इन द प्रोसेस ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग और मिक्सिंग ऑफ बल्क सॉलिड विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड भी एड किया जाता है। विथ ट्रेडिशनल मिक्सचर इक्विपमेंट दीज मशीन्स पुश मटेरियल्स यूजिंग ब्लेड्स और पैडल्स विच समटाइम्स लिमिट द मटेरियल्स मूवमेंट विद इन द वेसल्स, द लिमिटेशन लीव डेड स्पॉट्स और बेटर नोन एज डेड जोन्स इन साइड द ब्लेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिगमेंट एंड इनलार्जमेंट। इम्पिगमेंट एंड इनलार्जमेंट का मैकेनिज्म क्या होता है इसको बताना है। तो इम्पिगमेंट का हिंदी अर्थ होता है टकराव या प्रहार होता है, इनलार्जमेंट का होता है बढ़ाव या विस्तार। सो इम्पिगमेंट क्या होता है, क्या मैकेनिज्म क्या होता है, सॉलिड हैविंग मोमेंटम मूव अलोंग द पाथ ऑफ स्ट्रीमिंग फ्लो एंड स्ट्राइक द फिल्टर मीडियम, एंड सो सॉलिड्स आर रिटेन्ड ऑन फिल्टर मीडियम, पार्टिकल्स बिकम इंटवाइंड, ऐसे कहते हैं इंटैगल्ड इन द मास ऑफ फाइबर, फाइन एंड हेरी सरफेस और पोरस ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स देन द पोर साइज, सॉलिड आर रेफर्ड विद इन द फिल्टर मीडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली, गिव एग्जांपल आल्सो। तो अंडर ड्राइवन क्या होता है, इन दिस सेंट्रीफ्यूज ए बास्केट इज माउंटेड अबव ए ड्राइविंग शाफ्ट, सच अरेंजमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज अंडर ड्राइवन। ओवर ड्राइवन क्या होता है, इट इज द बास्केट इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए शाफ्ट, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ओवर ड्राइवन। मतलब अंडर ड्राइवन में होता है कि जो बास्केट होता है माउंटेड होता है ड्राइविंग शाफ्ट, अबव ड्राइविंग शाफ्ट, एंड इन अंडर ड्राइवन जो होता है वो बास्केट होता है सस्पेंडेड होता है फ्रॉम ए शाफ्ट, इसमें होता है अबव द ड्राइविंग शाफ्ट, इसमें ओवर द ड्राइविंग शाफ्ट। तो इसका एग्जांपल होगा अंडर ड्राइवन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। तो इस प्रकार से सेक्शन ए समाप्त होता है, सेक्शन बी में देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो तो कहता है स्टेट द डेराइव बर्नौलीस इक्वेशन, बर्नौलीस इक्वेशन को डेराइव करना है। तो बर्नौलीस थ्योरम स्टेट दैट इन ए स्टेडी स्टेट आइडियल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास विच कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूड इज कॉन्स्टेंट। तो इसमें प्रेशर एनर्जी जो है, प्रेशर एनर्जी को कहते हैं दाब ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट पे या बिंदु पे ये तीनों कॉन्स्टेंट मतलब नियत रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, सिंस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप इट सर्टेन प्रेशर, सो प्रेशर एनर्जी इज जूल कैन बी रिटेन एज। इसमें जब लिक्विड फ्लो करता है पाइप में तो इसमें एक प्रेशर वर्क करता है, इसे प्रेशर एनर्जी कहते हैं, प्रेशर एनर्जी वर्क करता है। तो प्रेशर एनर्जी को सिंपली लिख सकते हैं रोए अपान रोए इंटू जी, पी ए अपान रोए इंटू जी,
where is pa is equal to pressure of point a and rho is equal to density of liquid. डेंसिटी मतलब घनत्व होता है, जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तो जैसे इसमें प्रेशर एनर्जी वर्क करता है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क करता है। पोटेंशियल एनर्जी को मानते हैं एक्स ए एंड काइनेटिक एनर्जी को मानते हैं यू ए स्क्वायर अपॉन टू जी। इसको इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पास्ड बाय बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स। सो द इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी क्या है? पी ए अपॉन रो इन टू जी प्लस एक्स ए हो गया पोटेंशियल एनर्जी, प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन टू जी हो गया काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। आफ्टर सिस्टम रीच द स्टेडी स्टेट अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये तो पॉइंट ए पे हो गया, पॉइंट बी पे क्या होगा? पी बी अपॉन रो जी प्लस एक्स बी प्लस यू वी स्क्वायर अपॉन टू जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। When x b is equal to height of the point b, u b is equal to velocity of the point b, p b is equal to pressure at point b, and rho b is equal to density of point b. According to Bernoulli's theorem, क्या हो जाएगा? Total energy of point A is equal to total energy of point B. तो A का जो equation है and B का जो equation है उसको is equal to में आमने सामने लिख देंगे, तो rho A p A upon rho A g plus x A plus u A square upon 2 g is equal to p b upon rho b g प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन टू जी। इक्वेशन नंबर फाइव इसको हो जाता है ये। इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड पंप हैज एडेड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्रांसपोर्टेशन जब होता है फ्लूइड का तो पंप भी कुछ अपना कुछ अमाउंट में एनर्जी अपना जो है ऐड करता है। एनर्जी एडेड बाय द पंप, तो पंप के जो द्वारा जो एनर्जी ऐड की जाती है उसे प्लस जूल में लिखा जाता है, तो इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू जूल। इसको इक्वेशन नंबर सिक्स मानते हैं। एंड सम एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्सेस, सो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन दियर माइनस एफ जूल। इक्वेशन नंबर सो एनर्जी बैलेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड कैन बी रिटर्न फ्रॉम इक्वेशन फाइव सिक्स एंड सेवन एस पी ए अपॉन रो ए जी प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस डब्ल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी अपॉन रो बी जी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन टू जी। ये हो गया बर्नौली इक्वेशन। तो इसके एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर। जो ऑरिफिस मीटर वेंचुरी मीटर हम लोगों ने पिछले मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। दिस थ्योरम अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के काम में भी इसका थ्योरम या इस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का मतलब क्या होता है? केंद्र पसारी होता है सेंट्रीफ्यूगल का एग्जैक्ट हिंदी का मीनिंग। एंड इसे पंप को हम यंत्र भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक इसमें और क्या बताएं? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर हेड। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। फ्लैश डिस्टिलेशन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ये सब के बारे में हमें लिखना है। फ्लैश डिस्टिलेशन होता क्या है तो देखते हैं। फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, चाहे फिर फ्लैश डिस्टिलेशन से पूछे या इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन से पूछे तो हमें इसी के बारे में लिखना है। दोनों सेम ही होते हैं। तो दिस इज वन स्टेप ऑपरेशन वेयर ए लिक्विड इज पार्शली वेपोराइज्ड, द वेपर आर इन इक्विलिब्रियम विद द रेजिडुअल लिक्विड एंड द रिजल्टिंग वेपर्स आर सेपरेटेड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? फ्लैश डिस्टिलेशन इज ए स्पेशल ऑपरेशन इन डिस्टिलेशन वेयर ए लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड एंड फेड विद ए कॉन्स्टेंट फ्लो इन ए डिस्टिलेशन इक्विपमेंट द रिजल्टिंग वेपर एंड लिक्विड फेजेस इंटर इन टू ए एन इक्विलिब्रियम चैम्बर एंड आर ड्रेन्ड सेपरेटली ड्यूरिंग द ऑपरेशन। द टोटल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एज वेल एज द कंपोजिशन ऑफ द टू फेज इन द इक्विलिब्रियम रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। तो जो फ्लैश डिस्टिलेशन होता है उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें पंप होता है, फीड होता है एंड ये हीटर लगा हुआ होता है इसमें हीट करने के लिए। रिड्यूसिंग प्रेशर रिड्यूसिंग पंप होता है, वॉल्व होता है एंड वेपर टू कन्वर्टर इसमें एक लगा होता है। सो कंस्ट्रक्शन इसका समझते हैं कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन होता है द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ पंप व्हिच इज यूज्ड टू फोर्स फीड इनटू द हीटिंग चैम्बर एज ए रिजल्ट फीड गेट्स हीटेड। द अदर एंड ऑफ पाइप इज अटैच्ड टू द वर्किंग इसका कैसे होता है उसे देख लेते हैं। फर्स्टली फेड इज पंप्ड थ्रू ए हीटर एट सर्टेन प्रेशर। क्या होता है? सबसे पहले फीड जो होता है उसे पंप किया जाता है थ्रू ए हीटर, देन लिक्विड गेट हीटेड एंड कन्वर्टिंग इनटू वेपर
विच फर्दर एंटर्स द वेपर लिक्विड सेपरेट्स थ्रू ए प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व. प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व रिड्यूस द प्रेशर एंड वेपर स्टार्टेड टू कंडेंस्ड. तो वेपर यहाँ पर कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ फर्स्टली वेपर ऑफ हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन गेट कंडेंस्ड विच वी गेट इन वेपर लिक्विड सेपरेटर एंड लो बॉइलिंग फ्रैक्शन रिमेन्स एज वेपर. मतलब जो इसमें क्या होता है, जो हाई बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है एंड जो लो बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है वो वेपर के रूप में ही ऐसे ही रह जाता है. देन बी आफ्टर सम टाइम सेकेंड लिक्विड आल्सो कंडेंस्ड एंड वी कलेक्ट इट. मतलब जो हाई लो बॉइलिंग फ्रैक्शन का रिमेन्स वैसे रह गया था वेपर, वो भी इसमें क्या होता है डिस्टिलेशन उसका भी हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है. इन वेपर लिक्विड सेपरेटर देयर आर सफिशियंट टाइम टू सेपरेट आउट द लिक्विड पोर्शन. सो लिक्विड इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड वेपर्स ऑफ सेकेंड लिक्विड सेपरेटेड एट द टॉप. एक जो होता है वो बॉटम से कलेक्ट किया जाता है एंड द सेकेंड लिक्विड जो होता है वो टॉप से उसको कलेक्ट कर लेते हैं. जो फ्लैश डिस्टिलेशन है इसका यूज क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं. इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड्स विच बॉइल एट वाइडली डिफरेंट टेम्परेचर. यूज एट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल. तो क्रूड ऑयल के रिफाइनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है. इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस. डिसएडवांटेज क्या होते हैं, नॉट सेटेबल फॉर दोज हुज बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट डिफरेंट वाइडली. मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट नहीं होता है उसके लिए ये सही नहीं होता है. इट इज नॉट एफिशियंट डिस्टिलेशन वेन नियरली प्योर कंपाउंड आर रिक्वायर्ड. तो सेक्शन बी में दो क्वेश्चन हो चुका है 10 नंबर का. आप देखते हैं सेक्शन सी. इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्स रेनॉल्ड्स नंबर एक्सपेरिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न क्या होता है उसको बताना है. तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, द रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस विद इन अ फ्लूइड विच इज सब्जेक्टेड टू रिलेटिव इंटरनल मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंट फ्लूइड वेलोसिटी. द रेनॉल्ड नंबर एक्सपेरिमेंट फ्लो कंडीशन आर अफेक्टेड बाई फोर फैक्टर. ये चार फैक्टर से प्रभावित होता है, डायमीटर ऑफ पाइप, एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. द एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू डी यू रो अपॉन ईटा. इट इज ऑप्टेन बाय द इक्वेशन आर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स से ही ऑप्टेन होता है, वेयर आर ई इज लेस देन 2000 फ्लूइड लेमिनार. व्हेन आर इज ग्रेटर देन 4000 फ्लूइड टर्बुलेंट एंड व्हेन इज 2000 लेस देन रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 4000 फ्लूइड ट्रांजिएंट फ्लो. एप्लीकेशन क्या होता है, टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द फ्लो, टू स्टडी द सेडिमेंटेशन रेट इन सस्पेंशन एंड हीट ट्रांसफर इन लिक्विड आल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्लो. टाइप्स ऑफ फ्लो जो पूछे थे इसमें वो क्या होता है टाइप्स ऑफ फ्लो, तो इसमें तीन टाइप्स के फ्लो होते हैं, लेमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है एंड ट्रांजिएंट फ्लो होता है. तो देखते हैं लेमिनार क्या होता है. इन लेमिनार फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट लेयर्स. मतलब सीधी अवस्था में मूव करते हैं फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं. देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर. उनके लेयर है वो समान रूप से बनी होती है, एक का दूसरे में कोई कन्वर्जन या कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है. दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं. दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम मैनर इंस्टीड ऑफ स्ट्रेट पाथ. तो टर्बुलेंट की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है अशांत या उपद्रवी. तो अशांत या उपद्रवी होती है फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन रैंडम मैनर. मतलब कि इंस्टीड ऑफ स्ट्रेट पाथ, मतलब स्ट्रेट पाथ में न होकर ये रैंडम मैनर मिक्स मैनर में फ्लो होते हैं. ये मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ये टर्बुलेंट फॉर्म. तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ट्रांजिएंट फ्लो. इट इज अ मिक्सचर ऑफ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो. मतलब जो लैमिनार फ्लो है जो स्ट्रेट लाइन में होता है एंड जो टर्बुलेंट फ्लो है रैंडम मैनर में होता है, उसका मिक्सचर होता है ट्रांजिएंट फ्लो. इट्स सो टर्बुलेंट एट द सेंटर एंड लैमिनार एट द एज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रा एंड नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो सेल एंड ट्यूब जो हीटर होता है उसका डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को. तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ट्यूब सीट लगी होती है, सेल बना होता है एंड इसमें स्टीम इनलेट के लिए होता है, वेंट और नॉन कंडेंस गैस के लिए होती है, लिक्विड आउटलेट भी होता है, इसके ट्यूब्स होती हैं, लिक्विड इनलेट होता है, कंडेंसेट आउटलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर पाया जाता है. तो इसको देखते हैं इसके बारे में. इट इज अ सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर. कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब्स.
इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब्स जो कि आपको दिख रही है. द बोथ एंड ऑफ द ट्यूब्स आर फिटेड इन टू द ट्यूब सीट. ये दोनों जो है वो ट्यूब सीट में फिट होती हैं. द ट्यूब्स आर इनक्लोज इन केसिंग विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप. जो ट्यूब होते हैं इनक्लोज होते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप में. तो ये जो शेप है ये सिलेंड्रिकल है. अगला क्या है, लिक्विड इनलेट इज प्रोवाइडेड इन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है इसमें लिक्विड इनलेट प्रोवाइडेड है. इधर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर इधर है, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर इधर है. नेक्स्ट है, देयर आर ऑल्सो प्रोविजन ऑफ स्टीम इनलेट, कंडेंसेट आउटलेट एंड वेंट फॉर द नॉन कंडेंस्ड गैसेस. इसका वर्किंग क्या होता है, स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इनलेट इन टू द स्पेस अराउंड ट्यूब्स, देयर फॉर ट्यूब्स गेट हीटेड. सबसे पहले क्या होता है, स्टीम जो भाप होता है वो इनलेट कराया जाता है ट्यूब के अंदर, जिससे क्या होता है ट्यूब जो होती है वो गर्म हो जाती है. कंडेंस्ड वेपर एंड नॉन कंडेंस्ड गैसेस आर एस्केप थ्रू आउटलेट प्रोवाइडेड. इसमें एक आउटलेट प्रोवाइड होता है जिसके थ्रू नॉन कंडेंस्ड गैस जो है बाहर निकल जाती है. द लिक्विड विच इज टू बी हीटेड इज पम्प्ड इनटू फर्स्ट डिस्टिलेशन चैम्बर. इसमें जो फर्स्ट डिस्टिलेशन चैम्बर होता है इसमें जो लिक्विड होता है जो इसको हीट करना होता है वो पम्प्ड होता है. द फ्लूइड इन ट्यूब्स गेट हीटेड ड्यू टू द हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू मेटल वाल. तो हॉट लिक्विड द फ्लूइड इन ट्यूब्स गेट थ्रू मेटल वाल. कंडक्शन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चालन या प्रवाह. तो कंडक्शन जो मेटल वाल के थ्रू ये हीट हो जाता है. द हॉट लिक्विड इंटर्स इनटू सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर एंड लीव्स थ्रू आउटलेट. एडवांटेज ऑफ दिस हीट एक्सचेंजर इज दैट द लार्ज हीटिंग सरफेस कैन बी पैक्ड इनटू स्मॉल वॉल्यूम. बट इट्स डिसएडवांटेज इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब आर लार्ज बट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब्स आर लो, देयरफॉर हीट ट्रांसफर एफिशिएंट इज ऑल्सो लो. तो इसका वर्किंग हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया एंड डायग्राम भी हो गया. अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर. तो फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज जो लिखना है. इसका उपयोग जो है ड्राइंग प्रोसेस में होता है. इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर हॉट एयर इज पास्ड एट हाई प्रेशर थ्रू ए परफोरेटेड बॉटम of the container containing granules to be dried. The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air. This condition is called fluidized state. The hot gas is surrounding every granules to completely dry them. The material of granules are uniformly dried. तो इसका फिगर जो होता है वो थोड़ा छोटा बनाया है यहाँ पे, उसको आप सही से बना सकते हैं. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इसको कहते हैं. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें इनलेट प्रोवाइडेड है, आउटलेट प्रोवाइडेड है, रिसर्कुलेटर होता है इसमें, फिल्टरिंग बैग होता है, फैन लगा होता है इसमें, डीअटैचमेंट वॉवल होता है, फ्लूइडाइज सॉलिड होता है. तो इसे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर कहते हैं. इसका कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं आगे. कंस्ट्रक्शन होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. मतलब ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है. या डिटैचेबल वाल्व इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर यूज फॉर लोड मटेरियल्स. ए फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट ऑफ फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर. जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि एक फैन भी माउंटेड होता है इसमें अपर पार्ट में फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर. फ्रेश एयर इनलेट प्री फिल्टर एंड हीट एक्सचेंजर आर कनेक्टेड सीरियली टू हीट द एयर टू रिक्वायर टेम्परेचर. वैक फिल्टर आर प्लेस्ड अबव द ड्राइंग वॉवल फॉर द रिकवरी ऑफ फाइंस. इसका वर्किंग क्या होता है अभी देख लेते हैं. तो वर्किंग में द वेट ग्रेन्यूल्स, मतलब जिस ग्रेन्यूल्स को हम ड्राइड करना होता है, टू बी ड्राइड आर प्लेस्ड इन द डिटैचेबल वॉवल. डिटैचेबल वॉवल में उसको हम ग्रेन्यूल्स को रख देते हैं. फ्रेश एयर इज अलाउटेड टू पास थ्रू ए प्री फिल्टर विच subsequently gets heated by passing through a heat exchanger. The hot air flow through the bottom of the bowl. Fan is allowed to rotate. The air velocity of gradually increased. When the velocity of the air is greater than settling velocity of granules, the granules remain partially suspended in the gas stream. After some time, granules rise in the container because of high velocity. Later fall back in the random boiling motion. So the gas surrounds every granules to completely dry them. The air leaves the dryer for passing through the vac filter. The entrained particles remain adhere to the inside surface of the bags. The bags are shaken to remove the entrained particles. The resistance time
For drying is about 40 minutes, the material is left for some time in the dryer for reducing ambient temperature. The bowl is taken out for discharging. The end product is free flowing. Uses क्या होते हैं इसके? Used for drying of granules in the production of tablets. It can be used for the three operation, mixing granules and drying. Advantages क्या होते हैं इसके? It requires less time to complete drying. Available in different sizes with drying capacity from 5 to 2000 kilogram per bag. Also used in mixing. डिसएडवांटेज क्या होता है? मैनी ऑर्गेनिक पाउडर डेवलप इलेक्ट्रोस्टेटिक चेंजेस ड्यूरिंग ड्राइंग टू अवॉइड दिस एफिशिएंट इलेक्ट्रिक एयरिंग ऑफ द ड्रायर इज एसेंशियल मैनी काउज सम अट्रिशन रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइन. सो एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन एट नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट. एयर इज फिल्टर्ड थ्रू हेपा फिल्टर, मतलब हाई एफिशिएंसी फर्टी कूलेट एयर होता है, इसके द्वारा एयर को फिल्टर किया जाता है इन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस और इन लेमिनार एयर फ्लो टू ऑब्टेन स्टेराइल प्रोडक्ट. प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग सॉलिड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन टेक्निक. बाय द मेथड इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव्ड, इम्प्यूरिटीज को भी इससे दूर किया जा सकता है. प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन, मतलब लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन का उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है. फिल्ट्रेशन इज एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ लिक्विड ओरल सॉल्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग क्लियर सॉल्यूशन, डिवैक्सिंग ऑफ ऑयल्स, रिमूविंग सस्पेंडेड ऑयल्स फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन, सीरप, एलिक्सर, आई ड्रॉप इसके एग्जाम्पल हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है. वेस्ट सॉलिड मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द वेस्ट लिक्विड प्रायर टू इट्स डिस्पोजल. क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन सस्पेंडिंग सॉलिड्स पार्टिकल्स आर 1% और लेस देन 1% इज एनी लिक्विड और एनी स्लरी से क्लासिफिकेशन में आता है. अब देखते हैं थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन के कितने थ्योरी हैं इसको हम देखते हैं. फिल्ट्रेशन द फ्लो ऑफ लिक्विड फॉलो बेसिक रूल्स दैट गवर्न द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफरिंग रेजिस्टेंस. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपन रेजिस्टेंस. तो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? प्रेरक शक्ति इसे हिंदी में कहते हैं. तो ड्राइविंग फोर्स अपन रेजिस्टेंस होता है. ड्राइविंग फोर्स इज द प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द फिल्टर. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जो फिल्टर के होते हैं उसका प्रेशर डिफरेंस होता है, ये ड्राइविंग फोर्स. रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फिल्ट्रेशन, और जो फिल्ट्रेशन को रोकता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं. इसमें सबसे पहले इक्वेशन आती है पॉइसली इक्वेशन. तो पॉइसली ने कौन सा इक्वेशन दिया? पॉइसली कंसीडर द फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू अप्लाइज. तो इसने बताया कि बी इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 82 ईटा. इसमें डेल्टा पी इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैपिलरी इन द फिल्टर बेड बेड एंड एल इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक. यहाँ पर 82 नहीं 8L ईटा है. सो ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट. डार्सी इज लो व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पोरस मटेरियल. पोरस का मतलब क्या होता है? पोरस का मतलब होता है हिंदी में इसे हम कह सकते हैं पोरस का मतलब छिद्रपूर्ण कह सकते हैं इसको. व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पोरस मटेरियल सच एज द फिल्टर केक देन द फ्लो रेट रिलेट्स टू प्रेशर डेवलप प्रेशर ड्रॉप causing that flow and this process is described by Darcy's law. B is equal to Ka delta P upon eta into L where K is equal to permeability coefficient of cake, A is equal to surface area of porous bed, delta P is equal to pressure difference across the filter and L is equal to thickness of the filter cake, eta is equal to viscosity of the filtrate. Kojeni-Karman equation अगला है. डार्सी इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड बाई कोजेनी कार्मेन. द कोजेनी कार्मेन इक्वेशन यूज फॉर द फिल्ट्रेशन इज एक्सप्रेस डैश वी इज इक्वल टू ए अपान ईटा एस स्क्वायर इंटू डेल्टा पी अपान के एल इंटू ई क्यूब अपान वन माइनस ई स्क्वायर वेर के इज इक्वल टू कोजेन कॉन्स्टेंट, ए इज इक्वल टू सर्फेस एरिया वेड, डेल्टा इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, एल इज इक्वल थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक एंड ईटा इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, इज इक्वल टू पोरोसिटी ऑफ केक और बेड, इज इक्वल टू स्पेसिफिक सर्फेस एरिया ऑफ
पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ के, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूजेस. स्टेनलेस स्टील क्या होता है? इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन. एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु. तो स्टेनलेस स्टील जो होता है एलॉय ऑफ आयरन, आयरन का मिश्र धातु होता है. इट कंटेन्स 20% टू 30% क्रोमियम, 0 to 2% निकिल, लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कॉल्बियम, कैडमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, सिलिनियम, टेंटालियम एंड टाइटेनियम. इट इज वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट हैज रेजिस्टेंट कोरोसिन, कोरोसिन रेजिस्टेंट, इजिली फैब्रिकेटेड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील आर अवेलेबल. मार्टेंसिटिक, मार्टेंसिटिक टाइप, इसे हम टाइप 410 कहते भी कहते हैं. इट कंटेन 12% to 20% क्रोमियम एंड 0.2% to 0.4% कार्बन एंड 2% निकल. इट इज माइल्ड रेजिस्टेंस टू करेजन. इट इज लेस डक्टाइल. इट इज यूज टू प्रिपेयर सिंक, बेंच टॉप, स्टोरेज टैंक्स एंड मिक्सिंग एलिमेंट्स. सो अगला है ए फेरसिटिक टाइप 430. इट कंटेन 50 to 30% क्रोमियम एंड 0.1% कार्बन. इट इज ईजी टू मशीन. इट इज नॉट गुड अगेंस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ACL. इट इज यूज इन द टावर हीट एक्सचेंजर, ट्यूबिंग, कंडेंसर, पंप शाफ्ट एंड फर्नेस पार्ट्स. अगला जो स्टील है ऑस्टेनिटिक है. इट कंटेन 13% to 20% क्रोमियम, 0.2% to 5% कार्बन एंड 22% निकिल. इट इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस, ईजी टू वेल्ड, इजी क्लीन एंड स्टेरलाइज. इट इज यूज इन फर्मेंटेस, इवेपोरेटर्स, ए स्टोरेज वेसल, एक्सट्रैक्शन वेसल्स. अदर टाइप्स होते हैं 360, 360L, 317 विद 2.5 to 3.5% मॉलिब्डेनम और कोरोजन रेजिस्टेंस. तो इस प्रकार से सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी समाप्त होता है. तो आज का जो फार्मेसी का कॉमन फैक्ट है वो है टॉप फार्मास्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. भारत में जो टॉप फार्मेसी इंडस्ट्री है वो कौन सी है? तो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है टॉप पे, नंबर वन पे इस समय इंडिया में, जिसके फाउंडर हैं दिलीप सांघवी. इसका हेडक्वार्टर गोरेगांव मुंबई में है. तो इस प्रकार से बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का 2019-20 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया. तो अगर वीडियो